दोस्तों आज मैं आपको 1000 मारी की बहुत ही हास्यमय कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी। सबसे पहले सभी दोस्तों को जय भोलेनाथ। एक समय की बात है, एक गांव में एक महाआलसी आदमी रहता था। वह आदमी दिखने में तो पहलवान जैसा दिखता था, पर आलसी इतना था कि वह दिन भर खटिया पर लेटा रहता था। जिस करवट लेटता था उसी करवट सोया रहता था। उसको करवट बदलने में भी मेहनत पड़ती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी ऐसे कब तक सोते रहोगे, कुछ काम वाम कर लिया करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर अकड़ जाएंगे। तो वह आलसी आदमी बोलता है, अरे तेरे को कोई घर में कमी बमी लगती है क्या जो तू मेरे को काम की बोल रही है। फिर से पत्नी ने कहा, तुम खटिया पर बैठे बैठे ही कोई काम कर लिया करो। तो आलसी आदमी ने सोचा कि खटिया पर बैठे बैठे कोई काम मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर वह आलसी आदमी बोला कि बैठे बैठे क्या काम हो सकता है। फिर पत्नी घर के अंदर गई और घर के अंदर से चाकू और सब्जियां लेकर आलसी आदमी के पास रख दी और कहा कि बैठे बैठे कम से कम सब्जियां ही काट दिया करो। फिर पत्नी अपने काम में लग गई। इधर आलसी आदमी ने सब्जियों पर ध्यान ही नहीं दिया और वह आलसी आदमी बैठे बैठे मक्खियां मारने लगा। फिर कुछ देर बाद जब पत्नी आई तो देखा कि आलसी आदमी ने सब्जियां तो काटी नहीं, पर वह खटिया पर बैठे बैठे मक्खियों को गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। देखो भाग्यवान, अभी मैंने कुछ ही देर में 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया हूँ। अभी मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं 1000 मक्खियों को न मारूंगा तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मोदी जी, आलसी आदमी 1000 मक्खियों को मार करके अपने आप को पहलवान समझेगा? भैया पहलवान समझे या कुछ भी समझे, पर उसकी पत्नी ने सोचा कि कम से कम मक्खियों को मारने के बहाने अपने हाथ पैर तो चलाएगा। आलसी आदमी रोजाना मक्खियों को मारता, मक्खियों को मारने के चक्कर में कभी कभी अपने आप को ही मारता तो कभी अपनी पत्नी को मारता। एक दो बार तो जोर से अपनी गर्दन पर ही मारी तो उसकी गर्दन अकड़ गई और अपनी पत्नी की भी नाक तोड़ दी मक्खियों को मारने के चक्कर में। इसी तरह दिन में वह घर के कभी बर्तन तोड़ता तो कभी घर के कीमती सामान तोड़ता। 2-4 दिनों में ही आलसी आदमी ने अपने घर को कबाड़ खाना बना दिया। मोदी जी, आलसी आदमी को तो मक्खियों को मारने की धुन सवार थी, वो तो ऐसे झुका है कि 1000 मक्खियों को मारने के बाद उसको लाखों करोड़ रुपए मिलने वाले होंगे। हाँ भाई, बात तो तुम सही बोल रहे हो। भैया मक्खियां मारते मारते एक दिन वह आ गया जब आलसी आदमी ने पूरी 1000 मक्खियां मार दी। उस दिन आलसी आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह एक बड़ा बांस का डंडा लेकर गांव में निकला। वो सबसे यही कहता जा रहा था कि आज मैंने पूरे 1000 को मौत के घाट उतार आया हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग उससे डरने लगे। मोदी जी, लोग उससे फोकट में ही डरने लगे। पर मोदी जी, कम से कम ये तो हुआ कि लोग उससे डरने तो लगे। हाँ भैया, ये तो नाम कमाया मक्खियों को मारने में। फिर ये बात भैया हवा की तरह फैलने लगी। लोगों ने उसका नाम 1000 मारी रख दिया। फिर एक बार नगर के राजा के राज्य में दूसरे राजा ने हमला कर दिया। राजा ने सोचा कि अब हमारा राज्य छीन जाएगा। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि कोई बहादुर सेनापति ढूंढकर लेकर आओ ताकि हम अपने राज्य की रक्षा कर सके। सैनिक बहादुर सेनापति को ढूंढने के लिए निकले। उन दिनों 1000 मारी का नाम हर आदमी की जुबान पर था। तो राजा के सैनिकों ने सोचा कि 1000 मारी जैसा बहादुर आदमी सेनापति के लिए उचित होगा। फिर राजा के सैनिक 1000 मारी के घर पर पहुंचे तो 1000 मारी सैनिकों को देखकर घर में छिपकर बैठ गया। मोदी जी, राजा अगर अलसी और लड़कों आदमी को सेनापति बनाएगा तो क्या होगा? अलसी आदमी तो मक्खियां मार सकता है, युद्ध के मैदान में सैनिकों को कैसे मारेगा? अरे भैया, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर 1000 मारी ने अपनी पत्नी से बात की तो पता चला कि सैनिक उसे सेनापति बनाने के लिए ले जाने के लिए आए हैं। फिर सैनिकों ने 1000 मारी को राजा के पास पेश किया। राजा ने देखा कि 7 फीट का हर्ष पुष्ट आदमी पहलवान जैसा दिखता है तो राजा बहुत खुश हुआ और 1000 मारी को सेना का सेना नायक बना दिया। 1000 मारी घोड़े पर बैठकर घर आया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि ये डरपोक आदमी क्या युद्ध करेगा, अगर युद्ध छोड़कर भाग आया तो राजा साहब इसे जान से मार देंगे क्योंकि इसकी सच्चाई मैं जानती हूँ। फिर 1000 मारी की पत्नी ने
एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोड़े से बांध दिया। तो हजार मारी ने पूछा कि मुझे रस्सी से क्यों बांधा है? तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, तुम युद्ध में घोड़े से ना उतरो, इसलिए तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पैदल ही दुश्मनों को मारने के लिए चल दो। फिर हजार मारी घोड़े से बंधा हुआ राज दरबार में आ गया। तो राजा ने देखा कि हजार मारी युद्ध के लिए अपने आप को घोड़े से बांधकर तैयार खड़ा है। राजा ने हजार मारी को एक बड़ी सेना देकर युद्ध के मैदान में भेज दिया। हजार मारी की सेना में हिम्मत आ गई कि हमारा सेनापति हजार मारी है, जो हजार आदमी को एक ही झटके में मार सकता है। फिर ये खबर दुश्मन सेना को पता चली कि आज हजार मारी युद्ध करने आ रहा है, तो उनका मनोबल टूट गया। बहादुर से बहादुर योद्धा भी हजार मारी के नाम से डर गया। इस तरह दुश्मन सेना की हिम्मत टूट गई, क्योंकि उन्होंने भी सुना था कि हजार मारी हजारों आदमी को मार सकता है। मोदी जी, दुश्मन सेना तो हजार मारी का नाम से ही डरने लगी है। मोदी जी, वो कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया, हजार मारी का नाम बिकता था क्योंकि हजार मारी भपकी देता था, मारे भपकी तो फटे सबकी। हाँ भाई, फिर हजार मारी युद्ध के मैदान में पहुंचा और युद्ध शुरू हुआ। तो हजार मारी घोड़े से बंधा हुआ जो भागा तो एक बांस के भेड़े में छुप गया। पर हजार मारी की सेना पूरी हिम्मत के साथ लड़ी, क्योंकि उनको हिम्मत थी कि हमारा सेनापति बहादुर है, लेकिन दुश्मन सेना पहले ही डर चुकी थी। इसलिए दुश्मन सेना लड़ाई करते करते भाग खड़ी हुई। इधर हजार मारी की सेना जीत की खुशी में खुश हो रहे थे और अपने सेनापति हजार मारी की जय जयकार कर रहे थे। तो हजार मारी ने सुना कि हम तो जीत गए हैं, तो हजार मारी बांस के भेड़े में से बाहर निकला और धीरे से सेना में शामिल हो गया। हजार मारी की जय जयकार करते हुए सैनिक राजा के पास आए, तो राजा ने हजार मारी को 1000 सोने की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी और हजार मारी को मुख्य सेनापति बना दिया। और भैया कहानी खत्म। वाह मोदी जी, मक्खियों को मारने के कारण ही आज हजार मारी सेना का सेनापति बन गया और सोने की मुद्राएं भी प्राप्त की। ऐसा पहली बार सुना कि मक्खियों को मारने से भी नाम होता है। पर मोदी जी, कहानी बहुत ही मजेदार थी, मजा आ गया। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।